आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महा अध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ की वर्कशीट नंबर 4, उसका सब्जेक्ट है साइंस और आज डेट है 30th September 2020। आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमने पिछली बार डिस्टेंस किस मीटर से नापा जाता है हमने उसके बारे में पढ़ा था, हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, हमने टाइम के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस का टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसे बनता है। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक सोनिया डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ऑडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टिल द एंड ऑफ द जर्नी। अब स्कूल पिकनिक जाते हुए सोनिया ने ये डिसाइड किया कि मैं वो जो है वो ऑडोमीटर से, ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर जो डिस्टेंस बताता है कि एक व्हीकल ने कितना डिस्टेंस फॉलो किया। जैसे इस वाले फोटो में अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन ये ऑडोमीटर है, ये जो पोर्शन है ये ऑडोमीटर है, ये किलोमीटर बता रहा है कितने किलोमीटर चल चुकी है अभी तक गाड़ी। Which quantity is measured by the odometer? तो अभी मैंने आपको बताया distance is measured by the odometer. क्या आएगा इसका आंसर? Distance. इसका आंसर है distance. D I S T A N C और E. Distance is measured by odometer. के बाद सोनिया नोटेड द फॉलोइंग टेबल। सोनिया ने ये फॉलोइंग टेबल, ये टेबल बनाई हर आधे घंटे बाद बस की रीडिंग, बस में अगर वो गए थे पिकनिक तो बस की रीडिंग देख देख कर। टाइम हमें दिया है, ऑडोमीटर की रीडिंग दी है और डिस्टेंस बताया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो गया। 8 बजे ये लोग बस में बैठे, उस समय पे बस की रीडिंग इतनी थी 36,540 किलोमीटर और 0 किलोमीटर से लिखा है कि स्टार्ट नहीं हुई, तो स्टार्ट होनी थी जर्नी। उसके बाद 8:30 बजे जब उसने चेक किया तो आधे घंटे बाद 36,560 किलोमीटर थी, तो यहाँ 40 थी यहाँ 60 थी, कितने किलोमीटर से लगी? बस 20 किलोमीटर। इसी तरीके से 9 बजे देखा तो 36,580 थी, 40 किलोमीटर चल चुकी थी, 9:30 देखा तो 36,600 थी, 60 किलोमीटर चल चुकी थी और 10 बजे देखा तो 36,620 थी, टोटल 80 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी, यहां से लेके और यहां तक 80 किलोमीटर बस चल चुकी थी। सोनिया हैड नो आइडिया टू मेजर द स्पीड और पोजीशन ऑफ बस एट द पर्टिकुलर टाइम। सोनिया को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे इसका स्पीड और पोजीशन बताई है। हर टीचर टोल्ड हर टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा शोन। अब उसके टीचर ने कहा कि आप एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इस वाले डाटा का, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है इस यहाँ पे। अब ये कैसे बनता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टेप्स टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा ऑफ द मोशन ऑफ अ कार। मान लीजिए ये जो हमें डाटा दिया गया है, ये टाइम और ये डिस्टेंस, ये कार का डाटा दिया है। मान लीजिए 1 मिनट बाद रीडिंग की तो 1 किलोमीटर चल चुकी थी, 2 किलोमीटर 2 मिनट बाद की तो 2 किलोमीटर चल चुकी थी, 3 मिनट बाद 3 किलोमीटर, 4 मिनट बाद 4 किलोमीटर, 5 मिनट बाद 5 किलोमीटर, मतलब 5 मिनट में गाड़ी 5 किलोमीटर चली टोटल। टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। सबसे पहले तो ग्राफ पेपर लेना है। ड्रॉ 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन OX, इट इज नोन एज द एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली वाई एक्सिस। अब हमें एक ग्राफ पेपर लेना है, जैसे ये ग्राफ पेपर यहाँ पे दिखा रखा है और दो लाइन खींचनी है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये नीचे वाली जो लाइन है ये एक्स है, एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये वाई एक्सिस है। उसके बाद ये बताया डिवाइड द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस अलोंग द। अब हमें कहा है कि यहाँ पर जो है नीचे की साइड, यहाँ पर हमें टाइम वाला जो ये वाला पोर्शन है ये लिखना है और यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस वाला पोर्शन लिखना है इसमें हमें। Choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph. For example, for the above data, time 1 minute is equal to 1 centimeter, distance 1 kilometer is equal to 1 centimeter. अब हमें करना क्या है कि ये जो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक 1 centimeter है,
तो इसको डिस्टेंस मान के हम 1 किलोमीटर मान लेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लेंगे। इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। इसी तरीके से करते करते यहाँ पे हमने किया 1, 2, 3, 4, 5। आपके ग्राफ में सेंटीमीटर होगा पर हमने इसको किलोमीटर मान लिया, 0 to 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर कर दिया इसको हमने, हमने किलोमीटर मान लिया। मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन। अब हमें करना क्या है, ये हमने यहाँ पर कर लिया डिस्टेंस, अब इसी तरीके से हमें टाइम करना है। ये हमने 1 मिनट मान लिया 1 सेंटीमीटर को, 2 मिनट 2 सेंटीमीटर को, 3 मिनट 3 सेंटीमीटर को, 4 मिनट 4 सेंटीमीटर को और 5 मिनट 5 सेंटीमीटर को, ये बना लिया। मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। अब हमें करना क्या है, अब हमें कहा गया है गाड़ी 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। अब ये 1 मिनट है, ये वाला कहा गया 1 किलोमीटर चलती है, ये 1 किलोमीटर हो गया। अब हमें ये पॉइंट जो है ये हमने यहां से डॉट डॉट करके, जैसे ये डॉट डॉट यहां पे हो रखा है, डॉट 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 करके यहां तक इसका बनाएंगे, ये इन दोनों लाइन्स को ऐसे इस तरीके से जोड़ देंगे। इसी तरीके से लिखा है ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एज शोन इन द फिगर, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। इसी तरीके से हमें दिखाया 2 मिनट में 2 किलोमीटर, दो किलोमीटर ये है और 2 मिनट दिया है नीचे का, ठीक है। इसी तरीके से 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। उसके बाद हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये वाली सब सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए, ये हो गया टाइम ग्राफ। ये जो लाइन है ये होती है टाइम ग्राफ, ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पे। अब हम करने जा रहे हैं ये हमें यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने देखा हो तो, ये रहा, ये क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग मोशन। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर मोशन दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है, देखिए आप, ये ग्राफ है हमारा, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमने 1 सेंटीमीटर को 2 किलोमीटर मान लिया है और इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर को 4 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर को 6 किलोमीटर और 4 सेंटीमीटर को 8 किलोमीटर। और इसी तरीके से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट, 2 सेंटीमीटर को 2 मिनट, 3 सेंटीमीटर को 3 मिनट और 4 सेंटीमीटर को 4 मिनट। और अब हमने ऐसे इसने कहा कि 1 मिनट में 1 मिनट में 2 किलोमीटर गाड़ी चली, 1 मिनट में 2 किलोमीटर गाड़ी चली, तो इसको हमने यहाँ पर डॉट 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 करके और हमने यहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद हमने इसी तरीके सारी लाइनें हमने ज्वाइन की, सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया जो हमें डाटा दिया उसके हिसाब से, और फिर हमने टाइम ग्राफ के लिए वाली लाइन खींच दी, ये वाली लाइन, तो ये बन गया हमारा टाइम ग्राफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार थोड़ा रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, अगर तब भी ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि प्रॉब्लम हो रही है समझने में, नहीं समझ में आया है, हम उसको फिर दोबारा एक और वीडियो डाल के उसको समझा देंगे आपको। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें, जरूर करें, आपकी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके आपके फोन में लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको उस पर क्लिक करेंगे तो उसका कलर बदल के ग्रे कलर हो जाएगा, उसका मतलब आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। और बेल आइकन भी होगा वहीं पर, एक बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करके उसको नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि नई वीडियो जो भी डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। थैंक यू।